नमस्कार, एक और नया वीडियो लेकर आप लोग के सेवा में मैं हाजिर हो गया हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो काम किया गया है, जो अच्छा काम किया गया है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे इस घर के सामने की तरफ आप देख रहे हो, कुछ इस टाइप का डिज़ाइन बनाया गया है जो कि सिर्फ ईंट की मदद से बनाया गया है, इसके बारे में बताऊँगा। साथ में इस घर का पैरापेट वाल भी बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया गया है, इसका फ्रंट लुक भी आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, ये जो इस तरीके का बहुत सारे घर में डिज़ाइन देखे होंगे, ज़्यादातर बालकनी में या फिर पोर्टिको में बनाया जाता है, तो इसे सिर्फ 5 इंची का दीवार का काम है वो करते हुए देख सकते हो। यहाँ पे प्लास्टर का काम करते हुए फिर उसके बाद में पुट्टी करते हुए कुछ इस तरीका से लुक आपको मिल जाता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका रहता है कि इसे कैसे बनाया जाता है, तो आप ढलाई के साथ भी बना सकते हो और ईंट के साथ भी बना सकते हो। ईंट के साथ बनाते हो तो आपका खर्चा इसमें कम आता है, और वही आप ढलाई के साथ बनाते हो तो आपका खर्चा है वो ज़्यादा आता है। चलिए अब ऊपर की तरफ चलते हैं, इस घर के सामने की तरफ जो काम किया गया है उसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर कैसे इसे काम किया गया है। ये देख सकते हो, छोटा सा पोर्टिको जैसा बना हुआ था, दोनों तरफ में डिज़ाइन है वो बनाया गया था। इस घर का जो पैरापेट वाल है, अगर उधर चलते हैं तो देख सकते हो कि 3.5 फीट का हाइट वाला यहाँ से पैरापेट वाल का काम है वो शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, शुरू होता है। इसका हाइट किस तरीके से बढ़ाया गया उसके बारे में ही बताऊंगा। ये देखिए, जो भी डिज़ाइन ये देख रहे हो, ये प्लास्टर कटिंग डिज़ाइन है, जो मोटा प्लास्टर करने के बाद में कटिंग करते हुए इसे बनाया गया है। आप आसानी के साथ देख सकते हो, ये देखिए लगभग 3 से 3.5 इंची मोटा। आप चाहो तो इसका प्लास्टर कटिंग डिज़ाइन करवा सकते हो। हालाँकि ऊपर वाला जो डिज़ाइन था वो कम था, यहाँ पर 4 इंच के आसपास तक चौड़ाई से बनाया गया है। तो देखिए, इस तरीका से इसका काम है वो किया गया है। अगर बात कर लिया जाए इसका हाइट का, इसका ऊंचाई का, तो देख सकते हो कि यहाँ पे तो ये जो काम किया गया है, डिज़ाइन थोड़ा अलग था, इसलिए यहाँ पे इसका जो ऊंचाई है उसे बढ़ाया गया है। इसीलिए आप इधर जो इसका ऊंचाई है वो ऊपर वाला हिस्सा में आप देख सकते हो कि स्लॉप डिज़ाइन में यहाँ पर काम किया गया है। जो पट्टी भी बनाया गया है वो भी स्लॉप डिज़ाइन के साथ यहाँ पर किया गया है। तो 5 फीट के हाइएस्ट जो इसका हाइट है वहाँ तक ले जाया गया है। तो 3.5 फीट से लेकर 5.5 फीट तक भी आप इसे ले जा सकते हो। ये जो आप देख सकते हो बॉक्सनुमा डिज़ाइन जो आपको दिख रहा है, ये नीचे में 5 इंची का काम किया गया है, ऊपर में ढलाई के साथ यहाँ पे काम किया गया। थोड़ा जूम करता हूँ, और उसके बाद प्लास्टर के साथ में यहाँ पर देख सकते हो कि पट्टी का जो डिज़ाइन है उसका काम यहाँ पर किया जा रहा है। ये जो खाली जगह आप देख पा रहे हो, ये खाली बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। यहाँ पे आप चाहो तो स्टेनलेस स्टील का रेलिंग या फिर पाइप को जुड़वाते हुए काम करवा सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पे भी जो खाली जगह है उसे देख रहे हो, तो वहाँ पे भी बिल्कुल खाली नहीं छोड़ा जाएगा, और यहाँ पे रेलिंग लगाया जाने का काम बाकी है। इस ये जो आप देख रहे हो, जो काम किया गया है, अगर इस स्पैन का बात किया जाए, छोटा स्पैन का, तो देख सकते हो जो बीच में डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है ये ईंट है। ये दोस्तों, ईंट को बाहर निकालते हुए यहाँ पे जुराई किया गया, और उसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्क्वायर शेप में बॉक्सनुमा डिज़ाइन का काम किया गया है। बॉक्स टाइप का डिज़ाइन का काम किया गया, उसके ऊपर में प्लास्टर का भी कुछ यहाँ पे काम किया गया है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लागत है वो नहीं लग रहा है, उसके बावजूद भी आपको एक सुंदर सा डिज़ाइन मिल जाता है। अगर आप चाहो तो 5 इंची का दीवार पे भी इस तरीके का जो काम है वो करवा सकते हो। आपका और भी ईंट बचेगा, और उसके साथ साथ आपको एक नया डिज़ाइन भी मिल जाएगा। इसका पुट्टी का काम कंप्लीट हो चुका है। पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि इसे किस तरीके से बनाया गया है। अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप नीचे जाकर क्लिक करते हुए देख सकते हो कि किस तरीके से ईंटा का जुड़ाई हुआ, किस तरीके से प्लास्टर हुआ, उसके बाद किस तरीके से आप इसका डिज़ाइन है वो अभी देख पा रहे हो, और आने वाला दिन में भी आप देखोगे। तो बहुत सारा घर का डिज़ाइन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। यहाँ पे डेली बेसिस पे घर बनाने से संबंधित वीडियो मिलता रहता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बार और गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।